भारत ने किसके साथ की ब्रह्मोस की सुपर डील? चीन पाक को क्यों लगी मिर्ची? एलएसी को लेके चीन के क्यों बदले हैं सुर? पाकिस्तान में कहां सैनिकों पर हुआ बड़ा आतंकी हमला? चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरें देखिए टॉप नाइन दुश्मन चीन पाक। भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की ऐतिहासिक डील पर मोहर लग गई है। $375 मिलियन की डील को लेकर फिलीपींस ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। इस डील से जहां भारत की सैन्य शक्ति और काबिलियत का डंका बजा है, वहीं चीन को बड़ा झटका लगा है। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर हुई वार्ता पर चीन का ताजा बयान सामने आया है। चीन ने कहा कि भारत के साथ कोर कमांडर लेवल के 14वें दौर की बैठक सकारात्मक रही है। दोनों देश मिलकर इस मामले पर आगे भी काम करेंगे। चीन का ये बयान अमेरिका के आरोप का जवाब था। अमेरिका ने ड्रैगन पर पड़ोसियों को परेशान करने का आरोप लगाया था। लिथुआनिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले चीन पर यूरोपीय यूनियन ने पलटवार किया है। ईयू ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीन के खिलाफ केस फाइल किया है। ईयू ने कहा कि चीन के एक्शन से यूरोप के कई देशों में निर्यात को नुकसान पहुंचा है। आलोचनाओं के बावजूद चीन का तिब्बत में मानवाधिकार पर हमला जारी है। ग्लोबल ह्यूमन राइट ने चीन पर तिब्बत की संस्कृति मिटाने का आरोप लगाया है। तिब्बत में चीन अधिकारी बुद्ध प्रतिमाएं और मठों को तबाह कर रहे हैं। इसके अलावा कई जगह तिब्बत के झंडे पर बैन लगाया जा रहा है। चीन अब खाड़ी में अमेरिका के मित्र देशों को साधने में जुटा है। चीन और सऊदी अरब के बीच जल्द ही बड़ा सैन्य समझौता हो सकता है। चीन के रक्षा मंत्री ने इसके संकेत दिए हैं। हाल के दिनों में चीन और सऊदी के बीच हथियारों का व्यापार 400% तक बढ़ा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी सेना अमेरिका के सैन्य उकसावे से निपटने के लिए तैयार है। चीनी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक विंटर ओलंपिक के दौरान अमेरिका साउथ चाइना सी में बड़ी सैन्य गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।